तो जी ये आई है पहली डिश, मुझे बहुत देर हो गई ये खाए हुए, फुल सीजनिंग, उबलता हुआ लावा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के करम से आप सब ठीक होंगे। तो माशाल्लाह आज हमारे पास मेहर भाई पूरा दिन गुजारा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा इनके साथ पूरा दिन गुजार के, और इनसे पूछते हैं कि आपको कैसा लगा पूरा दिन हमारे साथ गुजार के। तो जी ये आई है पहली डिश, मुझे बहुत देर हो गई ये खाए हुए, फुल सीजनिंग, उबलता हुआ लावा। ये स्टोन पॉट होता है और इसके अंदर मटन है, मटन लैम्ब, दिखाएं ज़रा, ये देखें। तो इसके साथ जो ब्रेड आएगी, बड़ी सी एक ब्रेड आती है उसकी, अब वो देखें कब आती है। वाओ, इसके साथ ये, इसको मुलावा कहते हैं, ये बड़ी सी रोटी होती है लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों काट के दी है, क्योंकि शायद वो टेबल बचाने के लिए वास्ते, ये बड़े से टोकरे में आती है लेकिन उन्होंने ये काट के दिया है। इसका ये एक हिस्सा है, एक ही रोटी है। ये देखें कितना बड़ा है, ये एक हिस्सा है इसका, चार हिस्से जोड़े जाएँ तो देखें कितनी बड़ी होगी। ये प्लेट पर मैंने थोड़ा सा इसको चेक करते हैं, वाइट। असल में ये जो चाय है ना, ये हमारी जो पाकिस्तानी दूध पत्ती नहीं होती, तो सेम दूध पत्ती की तरह की होती है, लेकिन इसको ऐदनी, इनका शहर है ऐदन, तो उस नाम से फेमस है ये, यमन का ऐदन, जहाँ पे, क्योंकि मेरी शादी वहाँ पे हुई है ना, तो ये उस शहर से फेमस है ऐदनी चाय। तो इसको सही तरह बॉयल करके दूध पत्ती की तरह दूसरा बनाते हैं। ये नीचे क्या है इसके? ये नीचे ना पत्ती है इसकी, ये स्पेशल पत्ती होती है इनकी, अपनी, इनका अपना ब्रांड है। तो पौनी शौनी नहीं यूज़ करते? नहीं, पौनी नहीं यूज़ करते ये। और हाँ तो जी भाई, मैंने खाना खा लिया, फुल पेट भर के निकाल के खाया, बड़ा मज़ा आया, और पैसे भी भाई ने पे किए हैं, यूट्यूबर होने के फ़ायदे उठा रहा हूँ मैं। और अभी हम जा रहे हैं इनकी दुकान की तरफ, और वहाँ पर जाकर मैं इनकी आपको दुकान दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद इनका भी इंटरव्यू करेंगे, वो अलग से अपलोड होगा, वो मेरे यहाँ से इस वीडियो से पहले अपलोड हो गया होगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं इनकी जाकर दुकान देखते हैं और इनसे और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हाँ जी, तो ये आ गए मैं इनकी दुकान पे, माशाल्लाह से बहुत बड़ी दुकान है। इससे पहले मैं जिस वहाँ पर गया था, वो एक छोटा सा काउंटर था मॉल के अंदर, तो मुझे लगा ये भी चलो उससे डबल होगी ट्रिप, लेकिन ये भाई उससे तो 10 गुना बड़ी है, बहुत बड़ी दुकान है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये भाई हमारे पाकिस्तानी हैं, इन्होंने शादी की हुई एक यमन की लेडी से, ठीक है, उनके ससुर और ये मिलके ये मेरे यहाँ से बिजनेस करते हैं, तो इनकी जो प्रोडक्ट्स ज़्यादा आती हैं वो यमन से आती हैं, ठीक है। अब इन्होंने जो स्टार्ट किया था वो ये कि जी वो इनके जो ससुर हैं और ये दोस्त थे, और अभी ये मिलके काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी उनकी आदत है, और बड़े बड़े सीधे साधे बनते हैं, ठीक है। तो कुछ काफ़ी दफ़ा उनको फ्रॉड भी हुए हैं, धोखे भी हुए हैं, लेकिन चलो जिनके साथ अल्लाह होता है तो फिर वो नीचे नहीं गिरते। तो माशाल्लाह बहुत बड़ा इनका सेटअप है यहाँ पे, और इसके अलावा इनका एक स्टोर है अलग से, क्योंकि वहाँ पे भी ये ऑनलाइन काम करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी ऑनलाइन, फिर मैंने इनको बताया तो उन्होंने कहा ठीक है आप ऑनलाइन से वहाँ से ऐप से पिक्चर ले लें और मुझे बता दें, तो मैं आपको वो चीज़ें, अब मुझे चीज़ें भी भेजती हैं, अभी वो भी पेमेंट नहीं दी, मैं इनको कह रहा हूँ मुझे अकाउंट दो, वो मेरी नहीं, मेरे दोस्त की हैं, तो फिर वो कहते हैं चलो दोस्त के, तो फिर मैं अकाउंट दे दूँगा, वरना उनसे पैसे नहीं ले रहे, बड़ी इज्जत करते हैं, तो
बस इतने इस काबिल हम हैं नहीं कि जितनी इज्जत कर रहे हैं। तो अभी इनकी ये दुकान माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, मैं एक थोड़ा सा टूर करूँगा बैक कैमरे से, और वो स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा आपको। इसके अलावा मैं इनका इंटरव्यू करूँगा, उनसे और पूछेंगे इनके बारे में पर्सनल के कैसे क्या क्या किया, क्योंकि अगर कोई पाकिस्तानी आके काम करना चाहता है या किसी और कंट्री से उसको इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये सारे वो बखूर जो लकड़ियाँ नहीं जलाते हैं लकड़ियों के फ्लेवर, तो ये सारे वो वाले हैं जितना भी है, ये सारा सामान। जी यार, ये हमारी हमने नई कंपनी बनाई है, तो उस पर ये स्पाइसेस बन रही हैं सारी हमारी अपनी, यहाँ पे खुद ही हमने फैक्ट्री लगाई है, और साथ में अल कैफ की हमने कॉफ़ी बनाई है। तो ये भी इसमें कैमल मिल्क है और दूसरा गोट मिल्क है। तो ये नासी बारबेक्यू है, ये नासी मकलूबा है, ये बिरयानी है, ये कब्सा है, और ये मंदी है। ये मेजुल फलस्तीन से है, बहुत बड़ी खजूर है, एक ही खजूर, ये भी और ये भी, इसमें ग्रेड है ए बी सी ग्रेड करके ना। और ये अजवा है, अजवा मदीना सबसे बेस्ट खजूर है अजवा, ये देखें ना, अजवा वीआईपी जंबो ए और वहाँ पे है मिनी। हाँ, ये सारे ड्राई फ्रूट हैं, ये काफ़ी मुल्कों से, ये तुर्की से भी आते हैं। तो जी दुकान का विज़िट करके बाइक का इंटरव्यू कर लिया, बारिश हो रही थी बाहर, लेकिन हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम गुजारा, मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। अभी ये एक इनकी कैमल मिल्क ये वाली एक कॉफ़ी है, ये इनका अपना ब्रांड है, इसकी कॉफ़ी, इसके साथ ये डिज़र्ट नीचे से लेके आए हैं। अभी हम ये खाएँगे, इसके बाद हम वापसी की तरफ निकलेंगे, फिर आगे जाके मैं आपको परफ्यूम भी खोल के दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा इनके साथ पूरा दिन गुजार के, और इनसे पूछते हैं कि आपको कैसा लगा पूरा दिन हमारे साथ गुजार के। जी भाई, मैं बड़े पाकिस्तानियों से मिला हूँ, ठीक है, जो एक बड़ी बात मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी छोड़ते बड़ी हैं, ठीक है जी, इतना सा भी होगा ना पाकिस्तानी छोड़ेगा बहुत। अब एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, किसी पूछे यार पाकिस्तान मलेशिया की इंडिया बोलेगा यार इतने बड़ा कम सेट है, पर मेरे घर देना चल चक्कर लाया, चक्कर लाया बिल्कुल, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि मोस्ट हम्बल बिजनेस मैन कहूँगा, बिजनेस मैन जो है ना मैंने मलेशिया में देखा है, तो ये भाई देखो मैंने देखा है, क्योंकि हम तो अभी भी मजदूर हैं। नहीं ठीक है, क्योंकि ना मुझे बोला बड़ी देर से मेरी बात हो रही थी, लेकिन एक होता है ना बंदा शो अप बड़ा करवाता है ये वो, उस बंदे से मुझे बड़ी एलर्जी होती है, उस बंदे से मैं खुद बहुत भागता हूँ, लेकिन उनके साथ मैंने 4-5 घंटे इवन के मुझे वेट भी करना पड़ा, लेकिन मैं बड़ा एक कम्फर्टेबल सा माहौल रहा है। और मैं कहता हूँ कि अगर बंदे को इंसान होना तो ऐसा होना चाहिए कि यार हम्बल रहना चाहिए हमेशा, तो ये एक बड़ी बात होती है। कोई जितना मर्जी अमीर हो अगर वो हम्बल नहीं है तो मैं उससे दूर भागता हूँ। तो सच बताऊँगा तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, मैं सोच रहा हूँ मैंने जो ब्लॉग बनाया उसमें मैं लिखूँ आई मेट द मोस्ट हम्बल पाकिस्तानी इन मलेशिया, ठीक है। ये आपकी मोहब्बत है, तो प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये जैसे आपके साथ है ना, तो मैं आज तक जिसको भी मिला हूँ इसी तरह, लेकिन कहूँगा कि ये मेरा बैड एक्सपीरियंस है, आगे से मुझे ज़्यादातर लोग फ्रॉडिए और झूठ बोलने वाले और धोखा करने वाले ज़्यादा मिले हैं, तो इसलिए मैं अभी खामोश हो के आराम से साइड पे हो गया। हाँ, कोई मसला नहीं, इसमें ये होता है कि बंदा ना जो मेरा एक्सपेक्टेशन होती है ना अगले बंदे से, मुझे हाँ, यही लगता है कि अगर मैंने इसको ये चीज़ दे दी है ना तो मुझे लगता है कि ये गई ठीक है, तो ये मैं सेम अगर मैं मुझे लग रहा कि ये मैं अगर दे दूँ तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो मैं ऐसी दिन आ कर देता हूँ। तो आप एक काम करें, अगर नहीं दिल मान रहा तो उसको बोलो यार ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं बस नहीं कर सकता, इसका दिमाग कर सीधा मुंह पे कह रहे हैं बड़ी बेचारी। लेकिन भाई से ये सियालकोट से हैं, तो मेरी तकरीबन 2 साल से हमारी बात हो रही थी फोन पे, लेकिन कभी मिले नहीं, कभी प्लान नहीं हुआ। एक सिटी में हम रहते हैं, लेकिन मैं इनके व्लॉग्स देखता रहता था, और लास्ट महीने मुलाकात हुई थी इनके, मैं गया था वहाँ पे KLCC में, तो माशाल्लाह अच्छा लगा। तो आज फिर इन्होंने रात को कहा था इनके पास टाइम है, छुट्टी है, तो मैंने कहा आप आ जाए, तो इंशाल्लाह इन्होंने विज़िट किया हमारी दुकान का, ऑफिस में भी बैठे हुए हैं, पूरा दिन इधर ही गुजार दिया,
तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और भाई का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने टाइम निकाला और हमारे साथ जो है ना पूरा दिन गुजारा। अदा करना चाहिए, बड़ा अच्छा से इन्होंने मुझे होस्ट किया कि पहले तो मैंने एक वीडियो लगाई थी कि आई होस्ट माय व्यूवर, तो आज मैं ये कह रहा हूँ माय होस्ट मेरे व्यूवर होस्ट में इस तरह करते हैं ये टाइटल क्योंकि मैं इनके वीडियो बहुत देखता रहता हूँ, जितने भी वीडियो आए पिछले 2 साल से, तो माशाल्लाह और वीडियो भी बहुत माशाल्लाह अच्छे बनाते हैं, व्लॉग्स खाने वगैरह के और जितने भी ट्रैवलिंग के, तो इनके वीडियो भी आप देखा करें और मैं चैनल का लिंक दे दूँगा अपने चैनल पर। तो माशाल्लाह आज पाकिस्तानी से सियालकोटी से मिल के अच्छा लगा, मतलब सियालकोट के लोग अच्छे हैं। अच्छे हैं माशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।